हेलो इंस्टा फैमिली, वेलकम टू माय पेज। लेट मी नो कौन कौन कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। वेयर आर यू जॉइनिंग इन फ्रॉम, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। होप आप सभी का रक्षाबंधन कल बहुत अच्छा रहा। यू मस्ट हैव इंजॉयड विथ योर फैमिली, बहुत सारी स्वीट्स खाई होंगी एंड यू हैड अ ग्रेट डे विथ योर फैमिली। हेलो जया 2842, हेलो मिस, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सो कल इंजॉय कर लिया फेस्टिवल एंड नाउ इज द टाइम कि वी आर कमिंग क्लोज टू बहुत सारे अदर फेस्टिवल्स, ठीक है। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो फ्रॉम लूजिंग एन एक्स्ट्रा वेट, दिस इज द टाइम जिसपे कि यू शुड स्टार्ट योर जर्नी। सो आज सुबह सुबह जो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाली, हेलो जया, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो आप, प्लीज लेट मी नो। सो आज सुबह सुबह मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाली है और मैंने ये भी बताया है कि मैंने किस तरीके से 45 डेज में 10 किलो लूज किया है 3 साल पहले और मैंने हर एक मील में क्या खाया है। सो जो मैंने एक वो वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो में आपको एक एक दिन का, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप कृष्ण, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। सो वो तीन हर एक मील का दिखाने का रीजन ये है कि आप किस तरीके से मेरे प्रोग्राम पर खाना खाते हो। सो सबसे पहले, यू आर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम रांची, गुड मॉर्निंग। सो इट्स प्रिटी अर्ली मॉर्निंग फॉर इंडिया, यू आर ऑलरेडी अप, दैट्स गुड। सो सबसे पहले हमारा जो दिन होता है, हम थ्री बिग मील्स खाते हैं। जैसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट फोटो दिखाई थी आपको, उसके बाद हमारा 11:30-12 बजे के आसपास यू हैव अ स्नैक, उसके बाद 2 बजे से पहले वी हैव अवर लंच, और लंच में अगर आप मेरी फोटो देखो, इट्स अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रोटीन एंड अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेजिटेबल। उसके बाद इवनिंग में अगेन यू हैव अ स्नैक एंड द डिनर गोज अराउंड 6:30, ठीक है। सो अब प्रोग्राम जो मेरा काम करता है वो करता है इस तरीके से है कि हम फोकस करते हैं आपकी गट हेल्थ पे। हमारी बॉडी का सेकेंड ब्रेन होता है गट, और हमारी बॉडी में हर एक फंक्शनिंग इज टेकन केयर बाय द गट ओनली। चाहे हम अपने हॉर्मोन्स की बात करें, चाहे हम अपने वेट गेन की बात करें, चाहे हम अपने वेट लॉस की बात करें, चाहे आप फैट लॉस की बात करो, फैट गेन की बात करो, हर एक चीज जो हमारी बॉडी में होती है, इंक्लूडिंग योर हेयर, इंक्लूडिंग योर स्किन, इट इज ऑल रिलेटेड टू अवर गट हेल्थ, ठीक है। अगर हमारा गट हेल्दी है, अगर हमारे गट में फूड जा रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी। जब बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, बॉडी को एक मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, डाइजेशन बेटर होगा, और वेट और फैट लॉस जो होगा वो उसका एंड रिजल्ट होता है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से, मार्केट में जो भी अवेलेबल होते हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि मैं फोकस करती हूँ आपके साथ रियल फूड खाने में। दूसरी चीज है कि प्राइम फोकस ये नहीं है कि सिर्फ आप अपना वजन कम करो या सिर्फ आपका फैट लॉस हो जाए। प्रोग्राम पे मेरा मेन फोकस होता है आपकी फूड हैबिट्स इंप्रूव हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो, हार्मोन्स बेटर हो, और जब ये सारी चीजें होती हैं प्रॉपर, आप एक न्यू लाइफस्टाइल जब सीखते हो, इसीलिए आपको आफ्टर द प्रोग्राम अपने वेट को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपको मैं वैसे एग्जांपल दूं, काफी प्रोग्राम्स मार्केट में होते हैं जिसमें कि अगर आप जीएम डाइट का एग्जांपल लो, ठीक है, 7 डेज में आप 7 किलो लूज करते हो, 7 दिन के बाद आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है कि आप एक दिन सिर्फ सॉल्ट नहीं खाते, एक दिन सिर्फ आप फ्रूट्स खाते हो, एक दिन आपने सिर्फ लिक्विड्स लेने हैं। बहुत सारे लोग स्लिम टीज वगैरह देते हैं कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, तो अगर आपने स्लिम टी पीकर ही अपना मेटाबॉलिज्म बेटर करना है तो आप ऑलरेडी ग्रीन टी इनटेक कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन टी में काफी सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके रूटीन को, आपकी बॉडी को बेटर करते हैं। बट इट इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू लीड टू द वेट लॉस। अगर ऐसा हो तो सुबह शाम हर एक बंदा 6-7 कप सिर्फ ग्रीन टी ही पी ले, राइट। तीसरी अगर मैं बात करूं, लोग आपको मील रिप्लेसमेंट शेक्स देते हैं। जब आप मील रिप्लेसमेंट शेक्स लेते हो, आपको लगता है कि जो हमारे घर में हम दालें खाते हैं, ठीक है, जो अब सपोज एग्जांपल है, जो अंडे का प्रोटीन है और जो आप ग्रीक योगर्ट का प्रोटीन है, या फिर आपको मैं पनीर के प्रोटीन की बात करूं या दालों, क्या आपको लगता है कि इन प्रोटीन्स को, रियल फूड को रिप्लेस करके आप ये शेक्स वगैरह से अपने प्रोटीन्स पूरे कर सकते हो? यू कैन नेवर डू दैट, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। हमारा रियल फूड इज ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि हमें खाना खाना
सही तरीके से खाना, सही पोषण पे खाना और सही टाइम पर खाना, दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी ही तरीके से मैंने अब 45 दिन के अंदर अपना 10 किलो वजन कम किया, तीनों टाइम घर का खाना खाया, दो टाइम स्नैक्स खाए, बॉडी को बिल्कुल भी स्टार्व नहीं करने दिया। और आज तक अगर मैं उस वेट को मेंटेन कर पा रही हूँ, इट्स बिकॉज कि मैं 80-20 बैलेंस करती हूँ। कल फेस्टिव सीजन था, आई हैड अ लॉट ऑफ फूड, बट इट्स अबाउट कि आज से आई एम जस्ट बैक ऑन अ ट्रैक टू बैलेंस इट। यही एक ब्यूटी होती है वेट लॉस प्रोग्राम की, कि आप अपना वजन कम कर रहे हो पर आप उसको मेंटेन करना सीख रहे हो। अगर आपने लूज कर लिया वेट फटाफट से और उसके बाद अगर आप अपने वेट को वापस से गेन कर रहे हो, उस वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है। आपका पैसा वेस्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट, आपका डीमोटिवेशन फैक्टर एक अलग आ जाएगा कि यार इतना वेट लूज कर लिया अब उसके बाद वापस से बढ़ गया, तो वो चीजों का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपना होम कुक्ड खाते हुए फूड अगर अपना हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हो, इट इज ऑलवेज सस्टेनेबल। सो जो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाली है, आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ, माई क्लाइंट्स हैव डन इट, दे ऑल हैव गॉट द रिजल्ट। सो इफ यू आर समवन, अगर आप यूएस कैनेडा में हो, यूके यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो या फिर इंडिया में हो, प्रोग्राम इज ओनली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज ओनली। इसके अलावा देर इज नो अदर कंट्री जहां पे ये प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो एक होता है आपको मील प्लान्स मिलते हैं, आपको तीनों टाइम घर का खाना खाना है और साथ में आपको रेसिपीज मिलती हैं, आपको मैं कुक बुक्स देती हूँ, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। साथ में फेसबुक पे मेरा एक रेसिपी पेज है जिसका एक्सेस मैं आपको देती हूँ। आप वहां पर अपने रेसिपीज को इंजॉय करते हुए अपना फूड इंजॉय करते हो, साथ में आपको मिलता है न्यूट्रिशन सपोर्ट। अब ये जो न्यूट्रिशन आपको मैं देती हूँ, ये एक्चुअली आपकी बॉडी को बैकअप करता है एज अ बैकअप सपोर्ट। ये न्यूट्रिशन इज नॉट द रीजन जिसकी वजह से आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि अगर आप तीनों टाइम घर का खाना खा रहे हो तो ऑफकोर्स आप रियल वेट लॉस जो कर रहे हो वो घर के खाने से कर रहे हो। पर हम क्या करते हैं, हम ये पूरे 30 डेज के साइकिल में जब भी होम कुक्ड फूड खाते हैं उसको वी रिमूव द ऑयल, हम क्लीन ईटिंग करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं हील होने का, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं क्लीन होने का। और इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन आपको मिलता है, ये कोई शेक्स नहीं होते कि खाना छोड़ दो और ये सप्लीमेंट्स खा लो आपका वजन कम हो जाएगा, नहीं। ये न्यूट्रिशन जो आपको मिलता है, इट इज जस्ट देयर टू सपोर्ट योर बॉडी। और जब वो सपोर्ट आपको मिलता है आपकी बॉडी पे, यू आर ऑलवेज गेइंग टू, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट करेंगे। जब हम कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट ना हो, इसीलिए हम ये न्यूट्रिशन का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। सो अभी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं थोड़े से यहाँ पे कमेंट्स को आंसर करती हूँ। आई रियली ट्राइड बट ऑलवेज एंड अप ओवर ईटिंग। सो सबसे पहली चीज है, मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पर खा रहे हो, आपकी फूड लाइफस्टाइल कैसी है, आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हैं, यू विल ऑलवेज एंड अप ईटिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, खाना खाते टाइम आप फोन पे आपका ध्यान है या आपके सामने टीवी चल रही है, यू विल ऑलवेज एंड अप डूइंग ओवर ईटिंग। अगर आपकी बॉडी में दिन भर में आप अगर बैलेंस्ड मील्स नहीं खा रहे हो, प्रोटीन्स, फाइबर, गुड फैट्स कॉम्बिनेशन अगर फूड आपकी प्लेट में नहीं है, आप एक तरीके का खाना खा रहे हो, अगर जैसे लोगों को लगता है राजमा चावल इज अ प्रॉपर मील, बट राजमा चावल इज नॉट अ बैलेंस्ड मील, ठीक है। वो खा करके आपका पेट भरेगा पर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बिकॉज यू आर नॉट इंक्लूडिंग एनी फाइबर, नॉट इंक्लूडिंग एनी प्रोबायोटिक्स ओवर देयर। इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं कि आप ओवर ईटिंग क्यों कर रहे हो। उसके बाद है, आई जस्ट हैव वन एप्पल इन द ब्रेकफास्ट, नेवर एवर, ब्रेकफास्ट कैन नेवर बी द फ्रूट, ठीक है। आप एप्पल खा रहे हो विच इज अ स्नैक, ठीक है, बट ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद द राइट प्रोटीन्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर, ग्रीक योगर्ट एंड बेरीज। आप अपने ऑमलेट खा सकते हो, आप स्प्राउट सैलेड खा सकते हो, आप अपना दाल वगैरह का चीला खा सकते हो, आप राइस केक खा सकते हो विथ ऑमलेट, बट ब्रेकफास्ट कैन नेवर बी एन एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट एप्पल कैन नॉट बी योर ब्रेकफास्ट, स्पेशली आप अपना, क्योंकि आप खुद देखो, आपने एक दिन पहले खाना खाया है 7 बजे, अगर आप खाना अपना फिनिश करते हो, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करते हो, सपोज 9 बजे करते हो,
12 घंटे का गैप है, ब्रेकफास्ट को बोला ही जाता है ब्रेक योर फास्ट, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट होता है कि आप इतने लंबे टाइम के बाद अपना फास्ट तोड़ रहे हो. यू विल जस्ट हैव एन एप्पल. अगर आप सिर्फ एप्पल खाओगे थोड़ी टाइम के लिए यू विल फील ओके, बट आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग हंग्री, आपके हंगर पैंग्स इंक्रीज होंगे, यू विल फील मोर हंग्री, और उसके बाद आप जो भी खाओगे यू आर गोइंग टू इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ फूड, क्योंकि आपने पहले अपनी बॉडी को स्टार्व किया है. तो 12 घंटे के गैप के बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल खा रहे हो तो आप खुद सोच के देखो कि आप अपनी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो, इट्स जीरो, राइट. सो दैट इज द रीजन कि आप अपनी रेस्ट ऑफ द डेज पे आप अगर ओवर ईटिंग करते हो या फिर आपका फूड बैलेंस नहीं है, दीज आर द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अ बिग टाइम. वेट गेन, सो आई ऑनेस्टली डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर द वेट गेन, बट येस ऑल आई कैन सजेस्ट यू इज कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हो फोकस ऑन ईटिंग द राइट फूड एंड स्टे हेल्दी रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट गेनिंग द वेट. सो गेनिंग द वेट से बेटर होता है टू कीप योर बॉडी हेल्दी इंटरनली, और अगर आप वो कर सकते हो देन इट इज परफेक्ट. हाय अरु जैन, कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय अमृता 0916, क्या हाल है? थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. सो यस, सो इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया है मैंने इसीलिए आपसे यही कहा है कि वो तीन मील्स जो मैंने आपको दिखाई है दैट इज वॉट एग्जैक्टली आप मेरे प्रोग्राम पर खाते हो. आपने कोई भूखे रह के अपना वेट लॉस नहीं करना, ना ही कोई स्टार्वेशन करनी है, ना ही कोई फास्टिंग करनी है, क्योंकि आप सोच के देखो अगर आप 7 बजे अपना डिनर करते हो नॉर्मली भी, ठीक है, और आप नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करते हो, ऑलरेडी आप अपने बॉडी में 12-13 घंटे का गैप दे रहे हो. उसके बाद भी अगर आप दिन भर में सिर्फ एक मील खा रहे हो या यू आर स्टार्विंग योर बॉडी अलॉट, तो अल्टीमेटली आप थोड़े दिन अपना वेट लॉस होता हुआ देखोगे बट उसके बाद आपको वीकनेस आने लगेगी, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगेगा. और इसीलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं कि मेरा वेट एक जगह पर आकर स्टक हो चुका है. वो स्टक वेट इज बिकॉज आपकी बॉडी एक प्लेटू पर पहुंच चुकी है. यू हैव नॉट गिवन इनफ न्यूट्रिशन टू योर बॉडी, यू हैव स्टार्व्ड योर बॉडी, और इसीलिए अब आपकी बॉडी उस हर एक चीज को इज गोना स्टोर दैट, और दैट्स हाउ यू स्टार्ट इवन गेनिंग मोर वेट. यही रीजन होता है जब लोग कहते हैं कि अरे वो वेट लॉस प्रोग्राम छोड़ा तो मेरा वेट गेन हो गया. मैं अपना वेट अगर 3 साल से मेंटेन कर रही हूं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो 3-3 साल से अपने वेट मेंटेन कर रहे हैं, इट इज बिकॉज कि हमने कोई भी फूड स्किप करके वेट लॉस नहीं किया, ना ही हमने कोई मील रिप्लेसमेंट शेक्स पिए, हमने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो लिए हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम इट इज एक्चुअली फॉर अ बैकअप सपोर्ट टू योर बॉडी. दे आर नॉट द मेन रीजन टू विच इज बिकॉज यू आर लूजिंग वेट. अब जैसे हमारा जो 2 पैकेजेस आते हैं, ठीक है, एक बेसिक पैकेज आता है प्रोग्राम का और एक एडवांस पैकेज आता है. जो बेसिक पैकेज आता है दैट इज अ कम्प्लीटली उसमें ट्रिम नहीं होता, ठीक है. अब जो बेसिक पैकेज है वो सौंफ में न्यूट्रिशन बने होते हैं, ठीक है, जिंजर से बने होते हैं, प्लांट बेस्ड ऑल न्यूट्रिशन होता है वो. तो आप खुद सोच के देखो घर में खाना खाने के बाद आप सौंफ खाते हो तो क्या अकेले सौंफ खाने से आपका वेट लॉस हो जाता है? कभी नहीं होता. व्हाट सौंफ डज इज बेसिकली टू सपोर्ट योर डाइजेस्टिव ट्रैक, इट सपोर्ट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट इज हाउ जो न्यूट्रिशन आपको मैं ऑन द प्रोग्राम देती हूँ, ये कोई भी सप्लीमेंट्स आपके कोई केमिकल्स या ये कोई वो नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो और वो खा लो. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरी अभी की जो मैंने फर्स्ट रील पोस्ट की है, अगर आप वो रील देखोगे जिसपे मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया है, यू विल सी वॉट आई ईट थ्रू आउट द डे, 3 big meals और साथ में 2 time snacks, एंड दैट्स वॉट माई क्लाइंट्स ईट एज वेल. सो आप भी यही खा करके अपना वजन कम करते हो, और इसीलिए जब आप ऐसा खा करके वजन कम करते हो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर योर बॉडी टू सस्टेन एंड वेरी इजी फॉर योर बॉडी टू मेंटेन इट. हेलो कीर्ति, कैसे हो? प्राची, द प्रोग्राम, ये वेट लॉस प्रोग्राम हो चाहे कॉलेजन हो चाहे स्किन केयर हो, ये सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएस में, कनाडा में, यूके में, यूरोप में, दैट इज इट, एंड इंडिया. इसके अलावा कोई भी कंट्रीज पे अवेलेबल नहीं है. आप चाहे मेरे अकाउंट को फॉलो करते हो फ्रॉम पाकिस्तान, यूए, कहीं से भी, बट इसके अलावा मेरी कोई भी मील प्लान्स या कोई भी सर्विसेज आर ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा, यूके, यूरोप एंड इन इंडिया. इसके अलावा देयर इज नो सर्विसेज, और प्रोग्राम जो होता है उसका कंसल्टेशन इज फ्री, बट आप जब एनरोल करते हो फॉर द प्रोग्राम यू हैव टू परचेज द न्यूट्रिशन
एंड देन यू गेट मी एज योर पर्सनल मेंटोर. आपके साथ पूरे 45 दिन मैं आपके साथ होती हूँ. आप कब क्या किस टाइम पर खा रहे हो, आपके वेट अपडेट्स, आपके मील अपडेट्स, एवरीथिंग आई टेक केयर विथ यू ऑन योर जर्नी. बट डेफिनेटली इट इज अ पेड प्रोग्राम. एंड बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं फ्री में डाइट प्लान दे दो. इट इज समथिंग विच यू गेट अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशन. वंस यू परचेज द न्यूट्रिशन यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग. सो इट इज अवेलेबल ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कैनेडा, यूके, यूरोप एंड इन इंडिया. सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हो, वी हैव एन अमेजिंग प्रमोशन स्टार्टेड टूडे. ठीक है, जिसमें कि यू आर गेटिंग हमारे टू गुड मिनरल्स एंड नोनी एज अ फ्री. सो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, आप अपनी बॉडी को शेप अप, टोन अप करना चाहते हो, नवरात्रि एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है जो कि हो रहा है 2nd of September से. साथ में फेस्टिव सीजन अब आ चुका है. एंड इफ यू आर समवन जो कि शेप वेयर्स, टमी टकर्स पहनना नहीं चाहते हो, यू एक्चुअली वॉन्ट टू गेट इन योर आइडियल बॉडी वेट बिफोर फेस्टिव सीजन कम्स इन और बिफोर 2024 एंड्स, ये सही टाइम है टू स्टार्ट योर जर्नी. बिकॉज जितना आप सोचोगे, सोचते सोचते ना कभी वेट लॉस होगा, उल्टा वेट गेन जरूर कर लोगे बैठ बैठ के लोगों की रिजल्ट्स देख के, स्क्रॉल करते हुए. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर ओन जर्नी एंड सी योर ओन रिजल्ट्स. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो. मुझे मैसेज करने के लिए जैसे ही आप मेरे इंस्टा की प्रोफाइल पर जाते हो, जस्ट मेरी प्रोफाइल फोटो के नीचे यू विल सी माई व्हाट्सएप लिंक. आप उस पर क्लिक करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप ही कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे डीएम कर लो. अगर आप मुझे डीएम करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आपने मेरा अकाउंट फॉलो किया हुआ है और आपने अपने अकाउंट की फॉलो बैक या मैसेज की रिक्वेस्ट अप्रूव की हुई है. बिकॉज बहुत सारे मुझे कॉमेंट्स आते हैं पर मैं उनको रिप्लाई बैक कर नहीं पाती, इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन प्राइवेसी सेटिंग्स. तो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे डीएम करो ओनली इफ यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कैनेडा, यूके, यूरोप एंड इन इंडिया, बिकॉज आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन एक्चुअली गिव यू द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. हाय धरणी, कैसे हो आप? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, माय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द कंट्रीज. सो वॉच द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आज सुबह अपनी पोस्ट की है कि हम क्या खाते हैं, किस टाइम पर खाते हैं, कैसे थ्रू आउट द डे आपका होता है और उसके साथ आपका 3 लीटर पानी होता है, 6 to 7 hours स्लीप होती है, प्लस यू टेक अ गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन अलोंग. इफ यू आर समवन हु वांट्स टू लूज वेट, प्लीज सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन हेल्प यू. अब आई विल रैप अप माय इंस्टा लाइव एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग. बाय बाय.